Bawal naman ito sa pamilya natin. Ba't kayo napunta niya? Ano kaya ito nag-swimming? Ito sila butang ng ulam, baha, ano? Kaya sila napunta niya. Nakaawa naman yung mga bata pa. वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वायरल हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में पुणे का रहने वाला एक अंसारी परिवार जो है उनके यहाँ शादी का माहौल होता है। इसी शादी के माहौल के बीच में जो है अंसारी परिवार का कुछ लोग जो है लोनावाला झील जो कि पुणे का काफ़ी फेमस झील है वहाँ ये लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसी बीच लोनावाला में काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है और ये लोग जो है जब झरने में बारिश का मज़ा लेते रहते हैं उसी टाइम में इतना तेज़ बारिश होता है कि झरने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पानी जमा हो जाता है उसके आसपास और पानी का तेज़ धार बन जाता है। ये लोग जो है उसी झरने में फंस जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। दोस्तों ये लोग जो है मदद को तरस रहे थे, मदद का मांग रहे थे। इनके आसपास लगभग 50 लोगों का जो है हुजूम था लेकिन सभी लोग जो है मोबाइल से सिर्फ इनका वीडियो बनाने में व्यस्त थे। इन्हें बचाने की कोशिश जो है इन लोगों ने जरा भी नहीं की। अगर ये लोग जो है इन लोगों को बचाने की कोशिश करते तो आज ये लोग जिंदा होते। लेकिन दोस्तों ये लोग जो है देखते देखते पानी के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि कुल 9 लोग पानी में फंसे हुए थे जिसमें से 5 लोग जो है पानी में बह गए। इन लोगों के पानी में बहने से इन सभी की मौत हो गई। अभी तक NDRF की टीम ने 3 लोगों का शव जो है बरामद कर लिया है और 2 लोगों का के शव को अभी भी खोजा जा रहा है। दोस्तों इस घटना से यही सीख मिलता है, हम लोग जो है जब भी बारिश का माहौल हो, जब भी ऐसा लगे कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना रहे तो हम लोग को सतर्क होना चाहिए क्योंकि सतर्क होने से ही हमारी जान जो बच सकती है। दोस्तों इन सभी वीडियो के बारे में क्या कहना है आपका, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज़। Nakaawa naman yung mga bata pa.